आज मैं आपके लिए ऐसी टेस्टी और रसेदार सब्जी लेके आई हूँ कि आप मटन चिकन भी भूल जाएंगे। बिल्कुल मटन का स्वाद आएगा इस कटहल की सब्जी में। तो आज मेरे किचन में ग्रेवी वाली कटहल की सब्जी बनने जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपके अपने चैनल नीतूज होम वर्ल्ड में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, मुझे सपोर्ट जरूर करें और आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब होगा बट मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। ग्रेवी वाली कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कटहल को छीलकर और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। यहाँ पे 2 से 3 मीडियम साइज का मैंने अनियन को स्लाइस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर लें। 12 से 15 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं, 1 सूखी लाल मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। अब मैं यहाँ पर काली मिर्च ले रही हूँ, ये 12 से 15 पीस मैंने लिया है, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा। इस प्लेट में जितनी भी चीजें इन सभी को मैं कोर्सली ग्राइंड करूंगी। 2 टमाटर लिया है मैंने। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले को लिया है, जैसे स्टार एनीज है और काली मिर्च है, ये मेज है यानी जावित्री, जीरा, थोड़े से पत्थर फूल, ये इजीली ग्रॉसरी मार्केट में मिल जाते हैं। 4 लौंग लिया है, 4 हरी इलायची लिए हैं, 2 से 3 इंच का मैंने यहाँ पर दालचीनी लिया और 2 काली वाली इलायची लिया है, और ये है नटमेग यानी जायफल, इसको मैं घिस कर डालूंगी। अगर आपके पास पाउडर है तो उसका भी यूज़ कर ले। तेजपत्ता लिया है। आइए बाकी के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है और इसके ऊपर हम एक पतीला रख देंगे और उसमें पानी डालेंगे। नमक डाल देंगे, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। पीसेस किए हुए कटहल को अब हम पानी में डाल देंगे ताकि अच्छे से बॉयल हो सके। अब इसको अच्छे से चला लेंगे और ढक कर मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए देते हैं। आइए बाकी के प्रोसेस को करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन में एकदम लो फ्लेम पर धनिया, जीरा और लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। अब इसमें काली मिर्च और सारे मैंने जितने भी एक प्लेट पे लिए थे, काली मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, सभी को अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी। कोई भी मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला है। और ये देखिए अच्छे से ये रोस्ट हो चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा हो जाने के लिए देते हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। तो कटहल हमारी कुक हो चुकी है, तो अब हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। आप चाहें तो पैन के जगह पर कुकर का भी यूज कर सकते हैं कटहल को बॉइल करने के लिए, इससे सारे कड़वापन दूर हो जाते हैं। अब इसको एक छलनी पे छान लेंगे और एक अलग बाउल पे निकाल लेंगे। आइए अब हम कटहल को चेक कर लेते हैं। इस कटहल के पीसेस को हमें 80% कुक करना है। तो ये देखिए इसे पूरा अच्छे से गलाना नहीं है। अब हम इसे एक साइड पे रखते हैं और ये हमारे जो सूखे मसाले हैं वो ठंडे हो चुके हैं। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का कोर्सली आपको ग्राइंड कर पीस लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। ये पेस्ट नहीं बना है, बिल्कुल दरदरा सा रहेगा। अगर खड़ा भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इसी टाइप का टेक्सचर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लहसुन जो है थोड़ी बहुत खड़ी बच गई है, बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। मैंने यहाँ पर कुकर को पहले से गर्म कर लिया था। 1/4 कप मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पर कसूरी मेथी का पत्ता डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और अब कटे हुए जो हमारे बॉयल किए हुए कटहल है उसको डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आइए अब कुछ कटिंग कर लेते हैं। टमाटर को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो ये बस हमें रफली चॉप्ड करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें। तो इसको हम पीसेंगे। आइए अब कटहल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कटहल हमारे अच्छे से लाल हो चुके हैं। अब इस फ्राई किए हुए कटहल को एक बाउल में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कटहल फ्राई होने के बाद भी तेल हमारी बच गई। अब सेम उसी कुकर में ये सूखे मसाले को हम इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे सॉटे करेंगे। ये गरम मसालों के नाम आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं और ये जो लास्ट में नटमेग है यानी जायफल, इसको मैं घिस कर डाल रही हूँ। अब स्लाइस किए हुए इसमें प्याज को डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास जायफल का पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों को जो हमने कोर्सली ग्राइंड किया था अब उसको प्याज में डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। मसाले तो हमारे भुने हुए हैं ही, बट प्याज के साथ अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1 मिनट के लिए कुक करने देते हैं लो फ्लेम पे।
आइए फिर से चेक कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम ही रखेंगे। अब आइए टमाटर की प्योरे बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर में टमाटर को डाल दिया है और पत्थर फूल को मैंने इसी में डालकर इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब प्याज में इस पेस्ट को डाल देंगे और जब तक टमाटर भून नहीं जाता तब तक हमें इसे लो फ्लेम पर भून लेना है। टमाटर प्यूरे डालने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक कर कुक होने के लिए देते हैं 2 मिनट के लिए। आइए चेक कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे से तेल रिलीज हो चुकी है साइडों से। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम सूखे मसालों को डालेंगे। एक बाउल में मैंने सूखे मसालों को लिया है, स्क्रीन पे सारे मसाले मेंशन हैं। अब मैं यहाँ पे मीट मसाला पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी पेस्ट को तैयार कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशल टिप्स है, आप ज़रूर फॉलो करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए कुकर में अब इस तरीके से हम इन मसालों को डाल देंगे। मैंने पाउडर आपको दिखा दिया था कि कौन कौन से मसाले हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, उन सारे मसालों को इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा इनसे फ्लेवर आता है। ये देखिए तेल भी छोड़ चुका है मसाले। अब मैं इसमें अपने फ्राई किए हुए उबले हुए कटहल को इसमें ऐड कर दूंगी और हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। ऊपर से हरा धनिया जब हम डालते हैं ना, मीन्स पहले ही विदाउट गार्निश, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसे ढककर 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करूंगी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 ग्लास भरकर पानी डाला है। तो ग्रेवी की क्वांटिटी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले। कसूरी मेथी के पत्ते को इस तरीके से रब करते हुए इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो ग्रेवी की जो क्वांटिटी है आप एडजस्ट कर लें। अब ये देखिए उबाल आनी शुरू हो चुकी है। अब मैं इसकी लिड को क्लोज कर दूंगी। अब इस तरीके से लिड को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर 3 से 4 विसल आने तक का वेट करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर 3 से 4 विसल आकर हमारी कुकर जो है वो ठंडी हो चुकी थी, तब मैंने इसको ओपन किया है। तो अब ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको इस तरीके से चेक कर लें। ये देखिए बहुत एकदम सॉफ्टली हमारे जो कटहल हैं पीसेज, इसके बहुत ही अच्छे से नाइसली ये कट हो रहे हैं और इस कटहल की सब्जी की खुशबू पूरे मेरे घर में फैल चुकी है। सिर्फ किचन में ही नहीं, पूरे घर में फैल चुकी है। एकदम मटन का टेस्ट आ रहा है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आप इसको रोटी, चपाती, नान, पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।